राज्यपाल के संदर्भ में मैंने अभी आपको विधायी गत व्याख्यान में विधायी शक्तियों का वर्णन किया। आज मैं बताने जा रही हूँ राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ अर्थात एग्जीक्यूटिव पावर्स। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राष्ट्र राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित की गई है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या तो प्रत्यक्ष रूप से करता है या अपने अधीन कर्मचारियों द्वारा करवाता है। राज्यपाल को निम्नलिखित कार्यकारी शक्तियां प्राप्त है, अर्थात कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि राज्यपाल कार्यपालिका शाखा से संबंधित रखता है। राज्य का समस्त शासन राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है। वह उन सब विषयों पर शासन चलाता है जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मंत्री और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद ग्रहण करते हैं। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, किंतु वह अन्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नहीं हटा सकता। आयोग के सदस्य उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर कुछ और ने कुछ निहर्ताओं पर ही या सिफारिशों पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 217 में वर्णित है। मंत्री अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री को परामर्श से हटा सकता है। वह शासन कार्य को सुविधा पूर्वक चलाने के लिए उस कार्य को मंत्रियों में बांटने के लिए नियम बनाता है। वह राज्य के महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। राज्यपाल मंत्री के किसी निर्णय को मंत्री परिषद के पास विचार करने के लिए वापस भेज सकता है। राज्यपाल प्रशासन के बारे में मुख्यमंत्री से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को नियुक्त कर सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 333 में इसका प्रावधान है। राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुसूचित कबीलों का विशेष ध्यान रखे। राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति नहीं है, किंतु इस विषय पर राष्ट्रपति उससे परामर्श अवश्य करता है। यह प्रावधान भी संविधान के अनुच्छेद 217 के एक भाग में उसमें उल्लेखित है। राज्यपाल जब यह अनुभव करे कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि राज्य का प्रशासन लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तथा राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है, उस पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संकट की घोषणा पर वह राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार राज्य का शासन चलाता है। यह अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 356 में उल्लेखित है। कहने का अभिप्राय यह है कि राज्यपाल को राज्य का मुखिया होने के नाते यह आभास हो जाए कि राज्य प्रशासन लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो वह संविधान के इस अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उन कुलपतियों की नियुक्ति भी करता है, किंतु राज्यपाल को बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने वाली
ऐसी कोई बाह्य शक्ति प्राप्त नहीं है जैसे कि राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार प्राप्त है। 352 के भाग एक में राज्यपाल को इस संदर्भ में किसी प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यपाल कार्यकारी क्षेत्र में अपना भूमिका निभाता है, लेकिन ये सैद्धांतिक भूमिका है। इसका व्यवहारिक विवेचन अगले भाग में करेंगे। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त राज्यपाल को कुछ न्यायिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, इसके अंतर्गत राज्यपाल के सिफारिश के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता, अर्थात विधानसभा से धन की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही हो सकती है। वार्षिक बजट राज्यपाल वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में पेश करवाता है। कोई भी बजट अनुदान मांग बिना राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं हो सकता। राज्यपाल की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का ही नियंत्रण है। यदि संकट के समय आवश्यकता पड़े तो राज्यपाल इसमें आवश्यकता अनुसार व्यय करने की अनुमति दे सकता है तथा उसके पश्चात राज्य विधान मंडल से उसकी स्वीकृति लेनी अनिवार्य होती है। पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन करता है। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में भी राज्यपाल को कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति करता है। राज्यपाल यदि समझे कि किसी न्यायालय के पास काम अधिक है तो वह आवश्यकता अनुसार अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल उस अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है, घटा सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है जिससे राज्य के कानून के विरुद्ध अपराध करने पर न्यायालय द्वारा दंड दिया गया हो। वह इस अधिकार का प्रयोग उन विषयों में नहीं कर सकता जो संघ सरकार की कार्यपालिका के अधीन हो। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग भी मुकदमे की सुनवाई के आरंभ से पूर्व, उसके बीच अथवा उसके पश्चात कर सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति एवं भूमिका को लेकर बने प्रमुख आयोग और उनकी सिफारिशों के बारे में भी आपको बताया जाएगा अगले अध्याय उसमें।